दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी बुर्ज खलीफा पर धूम मचा रहा है। दुबई में डंकी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। शाहरुख की फिल्मों का जितना हाइप इंडिया में होता है, उतना ही विदेशों में भी क्रेज होता है। डंकी की धमाकेदार क्रेज देख लोगों के होश उड़ गए हैं। दुबई, अमेरिका समेत कई देशों में डंकी का प्रमोशन हो रहा है। अमेरिका, लंदन, बड़े बड़े शहरों में डंकी का क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि शाहरुख को ग्लोबल स्टार कहा जाता है। दुनिया में शाहरुख के करोड़ों फैंस हैं और डंकी फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब डंकी बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी लेकर आएगी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, डंकी एक कॉमेडी और इमोशंस से भरी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में आपको कुछ जगह एक्शन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, पठान जवान के बाद डंकी शाहरुख के करियर को और भी आगे लेकर जाने वाली है। डंकी में इमोशंस तो भरपूर होगा, लेकिन इसकी स्टोरी और ज्यादा अच्छी होगी। पठान जवान में सिर्फ एक्शन पर फोकस किया गया था, इस चक्कर में स्टोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन डंकी की स्टोरी एक अलग लेवल पर होगी। इसका अंदाजा आप हिरानी की पिछली फिल्में देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान इस फिल्म में कॉमेडी सीन में नजर आए। ये फिल्म पूरी तरह से फैमिली के साथ देखने में मजा आने वाला है। इस फिल्म को अब रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है और फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी शानदार नजर आ रही है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने दिखा दिया कि उनके जैसा डायरेक्टर पूरे देश में नहीं है। किंग खान के अलावा इस फिल्म काफी बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें विक्की कौशल, बोमन ईरानी जैसे एक्टर शामिल हैं। वही डंकी को इस बार ओवरसीज में हॉलीवुड से टक्कर करनी पड़ रही है, जिससे अमेरिका कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों से इस बार डंकी जवान से भी ज्यादा कमाई कर सकती है। वही दुबई में भी शाहरुख की फिल्म काफी आगे जाएगी। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक सवाल है कि सालार या डंकी में आप सबसे ज्यादा इंतजार किस फिल्म का कर रहे हैं।